नमस्कार, मैं दिव्या शाह कोठारी स्टडी नेटवर्क की करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करती हूं। नेशनल खबरों से हम शुरुआत करते हैं। हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। मानवता के यूनेस्को ICH के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला यह एशिया का पहला त्योहार है। इससे पहले यूनेस्को ने गुजरात में हड़प्पा शहर धोलावीरा को भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्री विशाखापट्टनम के पास स्थित है संयंत्र में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने गोवा की मुक्ति की हीरक जयंती 50वां वर्ष के उपलक्ष में एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। वह दिन उस अवसर को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में 450 वर्ष के पुर्तगाली शासन को गोवा को मुक्त कराया था। 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों का उपनिवेश किया, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अंजेदा दीव, गोवा के एक हिस्से का नाम है, तक सीमित थे। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित 6G बुनियादी ढांचे का उपयोग करके संचार प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी को विकसित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हाल ही में भारत और रूस ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्तावित मसौदे का विरोध किया है। इकोनॉमी से जुड़ी खबरों में एडटेक प्लेटफॉर्म फर्म अड्डा 247 ने UPSC केंद्रित एडटेक प्लेटफॉर्म स्टडी IQ एजुकेशन को $20 मिलियन यानी कि 150 करोड़ में नगद और स्टॉक सौदे में हासिल किया है। अधिग्रहण पर बोलते हुए अड्डा 247 के संस्थापक और CEO अनिल नागर ने कहा है कि ये अड्डा 247 के लिए एक रणनीतिक अधिग्रहण है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार में विसंगतियों को जल्द पता लगाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाधान का पता लगाने के लिए नियामक और प्रौद्योगिकी समाधान का लाभ उठाने के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना की है। अलर्ट्स एक 7 सदस्यीय समिति है जिसकी अध्यक्षता SEBI के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पूरी बुच करते हैं और इसके सदस्य के रूप में विभिन्न प्रौद्योगिकी डोमेन के विशेषज्ञ हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अक्टूबर 2022 से बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचा पेश किया है। जब भी महत्वपूर्ण वित्तीय मैट्रिक्स निर्धारित सीमा से नीचे आते हैं तो पैरा बैंकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यह उन्हें पर्यवेक्षण और नियामक पहुंच के मामले में लगभग बैंकों के बराबर लाता है। NBFC के लिए PCA ढांचा 31 मार्च को या उसके बाद उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर अगले साल 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।